Slum for kids for kids. Oh, but you slum for kids for kids kids. Oh, but kids, is kids. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك, يا حبيب الله. وعلى آلك وأصحابك الله <applause> الصلاة والسلام عليك يا نبي الله <applause> الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. <applause> खुश आमदीदम कहते हैं महबा कहते हैं हमारे इस प्रोग्राम में होते हैं इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव सेगमेंट्स तो प्यारे बच्चों प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आइए सुनते हैं दरुदे पाक की फजीलत फ

وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف ہیں کار صبا الحمد لله رب العالمين على كل حال اپ كيف ہیں زازان بھائی الحمد لله رب العالمين على كل حال جی کار صبا اپ کون سی ایت پڑھنے جا رہے ہیں جی بچو اور کے ناظرین اپ سب کو بھی السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف حالكم؟ الحمد لله رب العالمين जी हाँ प्यारे बच्चों और मंदी चैनल हर हाल में अल्लाह पाक का अदा करना चाहिए और जब कभी किसी से मुलाकात करें तो क्या करना चाहिए सलाम करना चाहिए जी हाँ सलाम को आम करना चाहिए. जब मिलते सलाम करते हैं और कोशिश करना चाहिए अच्छे अंदाज से सलाम करें और अच्छे अंदाज से उसका जवाब भी दें और उसकी खैर खैरियत भी मालूम करें और प्यारे बच्चों और मंदी चैनल के नाजीन आज हम इस्लाम फॉर में हमारा पहला सेगमेंट होता है मदरसक़ मदीना ऑनलाइन जिसमें कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ाया जाता है सिखाया जाता है समझाया जाता है और कोशिश होती है यहाँ मौजूद बच्चे भी अच्छे अंदाज से कोशिश करते हैं कि अच्छे अंदाज से कुरने पाक को पढ़ें और मदनी चैनल के नाज़िन आप ने भी अच्छे अंदाज से कोशिश करनी है कि कुरान पाक जब पढ़ना है अच्छे अंदाज से पढ़ना है हदर में पढ़ना है तरतील में पढ़ना है तजवीद के साथ पढ़ना है कुरान पाक नाजिल भी तजवीद के साथ हुआ है और पढ़ना भी हमें तजवीद के साथ ही है तो प्यारे बच्चे और मदी चैनल के नाजीन आज हमारी सूरतुलमल्क की आयत नंबर 26 है सुबहानल्ला अल्लाह भी आयत है प्यारी प्यारी नस्बतों वाली आयत है जी हाँ तो प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाजीन किसको मालूम है छब्बीस किसकी नस्बत है जी माशा यहाँ मौजूद बच्चों को याद है माशा जी असान भाई आप बताइए छब्बीसवें शरीफ को अमीर सुन्नत से नस्बत है जी हाँ छब्बीस को अमीर सुन्नत दामद बरकत आलिया से नस्बत है छब्बीस रमजान मुबारक हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे अमीर सुन्नत दामद बरक़ात आलिया की फिलादत का दिन है सुबह अल्लाह और प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाजीन क्यों न हो अल्लाह वालों की नस्बतों से ही प्यार करना चाहिए इनशाला इससे हमारा बेड़ा पार होगा क्योंकि अल्लाह वाले जो हैं अल्लाह से मिला देते हैं उनसे मोहब्बत रखेंगे और उनकी शफकतें हम पर होंगी तो इन खुसूसी करम भी होगा हमारे रब अज वजल्ला का तो प्यारे बच्चों और बंदी चल के नाजीन आज हमारी छब्बीस आए थे आयत, आयत नंबर छब्बीस को पहले क्या करना होता है तोज्जो के साथ सुनना होता है जी हाँ पहले तोज्जो से सुनना है और उसके बाद तवज्जो से पढ़ना भी है समझना है पढ़ना है और उसके बाद सुनाना भी है और उसके बाद क्या तदर, करना है हदर और तरतील में ही पढ़ना है और प्यारे बच्चों और मदनी चल के नाजिन हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे सुन्नत, दामद बरक़ात आलिया कुरान पाक को अच्छे अंदाज़ से पढ़ने के मुतालिक तरगीब भी दिलाते रहते हैं जी हाँ कुरान पाक जब पढ़ना है हमें अच्छे अंदाज से पढ़ना है और तजवीद के साथ पढ़ना है कभी आप देखेंगे मदनी मुजाकरों में भी इस चीज़ की अहमियत उजागर फरमाते रहते हैं कि क़ुरान पाक से मोहब्बत की जाए कुरान पाक अच्छे अंदाज से पढ़ा जाए क्योंकि कुरान पाक ही तो हमारी असल है इसके ज़रिए ही तमाम ूमूम होते हैं जी इसको सीखने के लिए तमाम उलूम जो है सीखे जाते हैं दरसे नज़ामी किया जाता है जी हाँ आलिम कोर्स बनते हैं तो वो क्या होता है कुरान पाक को समझना अच्छे अंदाज से समझना पहले तो हम कोशिश करेंगे इसको अच्छे अंदाज से पढ़ने वाले बन जाएँ जब अच्छे अंदाज से पढ़ने वाले बन जाएंगे फिर एक वक्त आएगा अच्छे अंदाज से समझने वाले भी बन जाएंगे इन शहजल तो प्यारे बच्चे और मंदी चल के नाजिन आयत नंबर छब्बीस इसको पहले तोज्जो के साथ सुनना है तो तवज्ज् के साथ इस आयत को समात फरमाएंगे أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل انما العلم عند तो प्यारे बच्चों हमारा ये मरहला इत्तेताम तक तो पहुंचा बढ़ते अपने मरह अगले मरहले की जाने जिसका नाम है तवज्जो केसियत समझना जी हाँ प्यारे, प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाजिन तवज्जो के साथ इस आयत को समझना है तवज्जो अगर इधर होगी तो आप अचंदा से समझने वाले भी बन जाएंगे तो तवज्जो यहाँ होगी बोर्ड की तरफ़ तवज्जो होनी चाहिए यहाँ मौजूद बच्चों की तवज्जो कहाँ होगी बोर्ड की तरफ़ और मदनी चैनल के नाजन आपकी तवज्जो कहाँ होगी मदनी चैनल की स्क्रीन की तरफ जी हाँ तो आपने तवज्जो रखनी है अच्छे अंदाज से समझना है तो फिर आप अच्छे अंदाज से समझ भी जाएंगे और फिर अच्छे अंदाज से पढ़ने वाले भी बन जाएंगे तो आयत को शुरू करते हैं और जब भी कुरान पाक शुरू करना है

जी हाँ प्यारे बच्चों और मदी चल क्लासिन काफ की दागी पहला हर्फ है काफ कौन सा हर्फ हैफ आ गया कल की आयत में वाऊ था आज काफ है तो उसमें भी क़ाफ़ था जी हाँ वह में काफ आगे आ गया, गया था तो अभी आपने पढ़ना है क़ाफ़ कुल आया है और बाज बच्चे इसकी अदायगी कर देते हैं कुल क्या कर देते हैं कुल।, कुल।, कुल बास बच्चे पढ़ते हैं कुल या सुरखलास जब पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कुल हो वाहू गलत हो जाता है तो ऐसा भी नहीं पढ़ना हमने जब भी पढ़ना है हमने कुरान पाक अच्छे अंदाज से पढ़ना है लाम को हिलाना नहीं है अच्छा क़ाफ की अदायगी जी यहाँ मौजूद बच्चे बताने जा रहे हैं काफ़ की अदायगी काफ़ का मखरज ये बताएंगे हमारे सऊद भाई सऊद भाई को माइक लगा हुआ है जी बताइए की जड़ और तालु के नरम हिस्से से माशा जुबान की जड़ और तालु के नरम हिस्से से काफ अदा होता है माशा सुबहानल्लाह प्यारे बच्चे और मंदिर के आज छोटे से बच्चे हैं देखो कवायद याद कर लिए अब आप भी याद कर लें जी हाँ यहाँ मौजूद बच्चों ने भी याद करने हैं बड़ों ने भी याद करने हैं और एक्स्ट्रा बड़ों हमारे बुजुर्गों ने भी याद करने सब ने याद करने कवायद के साथ जब हम कुरान पाक पढ़ेंगे तो फिर अच्छे अंदाज से पढ़ने वाले बन जाएंगे और काफ़ की अदायगी हो गई जबान की जड़ और का नरम हिस्सा और इसके साथ ये बताइए काफ की अदायगी कहाँ से होती है दानियाल भाई बताएंगे जी बताइए काफ अदा होता है माशा जी हाँ अच्छा ये बताइए इन दोनों को काफ और काफ को क्या कहते हैं कौन से हरूफ में से है ये जी हम पूछते हैं सफवान भाई से कहते हैं आपका भी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है माशा आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों चल मंदिर नाज़ीन ये देखिए लाम इसको साकिन है इसको एलाना नहीं है लाम की अदायगी होती है लाम का एक मखरज है लबाएक। जी कल नून का मखरज तो बता दिया लाम को कौन बताया पूछ ले हम दानिया भाई मुश्किल है जरा सोच लें चले बताएं जबान का किनारा और दाहिर सनाए तक के मसूड़ों से अदा होता है माशाल्लाह जबान का किनारा और दाहा से सनाए तक के मसूड़े आपने बहुत मुश्किल है ये याद कर लिया आपने बात बड़ों को भी याद नहीं हो पाता क्योंकि तवज्जो नहीं होती जब तवज्जो कर लेते हैं जो जो बार बार तवज्जो के साथ पढ़ते हैं तो याद कर लेते हैं और जिनको तवज्जो नहीं होती तो उनको याद नहीं होता तो माशाल्लाह आपने क्या किया रस्ता लगाया होगा खूब खूब याद किया होगा ना जी बार बार दोहराया होगा ऐसे ही किया होगा ना दोहराया होगा तो बार बार दोहराने से ही याद हो जाता है माशा जबान का किनारा और दोहिक से सनाया तक के मसूड़े जब किनारा ऊपर लगता है सीधी तरफ से आसान होता है और उल्टी तरफ से भी निकाल सकते हैं और बैक वक़्त दोनों तरफ से भी निकाल सकते हैं और इस ये कौन से रूप में से ये कौन बताएंगे हुसैन भाई बताएंगे हुसैन भाई जी हुसैन भाई को माइक दीजिएगा जी ये माइक लीजिएगा रीन रूफ है, है। जी जी प्यारे बच्चे और मदीश नाजीन हमजा की अदायगी होती है ये अच्छा ये हमजा है या, या अलिफ ये भी तो पहले, पहले है। अलिफ है या हमजा कौन बताना चाह रहे हैं बच्चे बड़े बच्चे ही बताना चाह रहे हैं बड़े भी बताना चाह रहे हैं चले हम पूछते हैं हसन भाई से टीम बी के हसन भाई जी हमजा हमजा है सोच लें जी हमजा है ठीक है आपने सही जवाब दिया है अच्छा ये हमजा क्यों है दानियाल भाई आप बताएंगे जी दानियाल भाई हमजा क्यों है क्योंकि अलफ के ऊपर जबर जेर पेशिया कुछ हरकत आ जाए जज़म आ जाए तो वो हमजा होता है वो हमजा बन जाता है माशा जी हाँ जिस अलिफ के ऊपर दो 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 तो वो, वो अलिफ नहीं रहता हमजा बन जाता है तो इसलिए इसको हमजा पढ़ते हैं और यहाँ नून मुश्दत है नून मुशद में क्या होता है कौन बताएगा जी सफान भाई बताइए नशद में घुनना होगा कितने दो अलिफ का एक अलिफ का एक अलिफ जी माशा ये भी आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है नून मुशद या मीम मुशद जब कभी आ जाए एक अलिफ का गुन्ना होता है माशा और यहाँ पर मीम पर जबर है मीम को लाम से मिलाएंगे और लाम को भी हिलाना नहीं बास बच्चे हिला देंगे इनमल मुँ तो ऐसे नहीं पढ़ना हमने पढ़ना है कुल इनमल माशा अल्लाह माशा अल्लाह और आयन की अदायगी से अदा होता है जीफ में तो... से है और हलक के दरमियान वाले हिस्से और हलक था। था। के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है माशा अल्लाह बहुत अच्छे ज़बरदस्त आपने क़वायद अच्छी तरह याद किए हुए हैं माशा जी हाँ कवायद याद करने से ही आते हैं और देखिए छोटे से हैं प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाजिन छः साल के और इन्होंने इतने सारे कवायद याद कर लिए हैं तो आपने भी कोशिश करनी है क्योंकि मन जद्दा व जो कोशिश करता है वो पा लेता है।, है।, है माशा आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे नहीं साकिन रखना है और हर्फ कलकला के अलावा कोई भी हर्फ नहीं हिलाना होता और यहाँ पर पेश है हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ अदा करते हैं और यहाँ फिर आइन के दायगी हलक के दरमियान वाले हिस्से से और यहाँ नून साकिन के कायदों कायदा है कौन बताएगा

उर्फ अकबा में से कोई अरफा जाए उर्फ अकबा पंद्रह है जी हाँ कोई भी अरफा जाए वहाँ गुन्ना होगा और एक अलिफ का गुन्ना करके अच्छे अंदाज से अच्छा की माना क्या है पता है किसको किसको मालूम हैल भाई को सीधे हाथ से देना है सीधे हाथ से लेना है अच्छा ये बताइए दानियाल भाई कौन सा की माना क्या है छुपाना जी हाँ तो जब कभी आगे हाथ बढ़ाएंगे कौन सा बढ़ाएंगे ये वाला कौन सा જરા હાથ ઉપર કરે આપ સબ હાથ ઉપર કરે કон સા હાથ બડાયે અસે દેતે વખતે કон સા યે ઓર લેતે વખતે યે વાલા હી લેતે વખતે યે વાલા યે વાલા યસ દેખે મેરા દેખે સીધા હાથ કон સા હે યે વાલા હે ઓર ઇસી સે દેના હે اب લેના ઇસસે નહીં ના લેના ભી ઇસી સે હે સીધે સે હી દેના હે ઓર સીધે સે હી લેના હે આગે ઉલટા હાથ બડાયા ના ની કોશિશ કરે આપને સીધે સે પીછે કર લે હાથ કો પીછે કર લે સીધા હાથ દે સીધે હાથ સે કોઈ ભી ચીઝ દેની હે આપકો तो क्या करना है सीधा हाथ कोई चीज़ लेनी है सीधा हाथ देनी है सीधा हाथ लेनी है सीधा हाथ उल्टा हाथ नहीं जी अच्छा इख़फ़ा की माना आपने बताया इख़फ़ा की माना क्या है मुझ मुझ उनको को छुपा कर अदा करते हैं माशाल्लाह और यहाँ दाल की अदायगी दाल का मखरज है कौन बताएगा दाल का मखरज ताल तीन हैं। याद आ गया सफान भाई को जी सफान भाई बताइए जबान के के सिरा और ऊपर दांतों की जड़ से अधा होता है जबान का सिरा और ऊपर की दांतों की जड़ से अदा होता है जवाब दुरुस्त दिया है माशा अल्लाह माशा अल्लाह और यहाँ पर है अल्लाह पाक का नाम उससे पहले है जबर अब यहाँ अल्लाह पाक के लाम को किस तरह पड़ेंगे ये कौन बताएगा सबको याद है सब, सब मिलकर बोले क्या करेंगे पढ़ेंगे माशा अल्लाह माशा अल्लाह आप सबका जवाब दुरुस्त है और प्यारे बच्चे और चैनल के नाजीम जब यहाँ वफ़ करेंगे तो हा को साकिन करेंगे तो कौन सा कायदा लगेगा कौन बताएगा जी हसान भाई बताएंगे जी हसान भाई बताइए वक्फ बिल इबाल माल वफ बिल इब्दाल माल हा नहीं होगा नहीं होगा हसन भाई को याद है सऊद भाई को याद है सऊद भाई बताइए यहाँ पे मध्य आरिज होगा जी हाँ मध्य आरिज होगा अच्छा ये बताइए सऊद भाई आपको कैसे पता ये मध्य आरिज होगा आपको इल्मे है जी क्योंकि खड़ी हरकात हुरूफ मद्दा की कायम मकाम है तो इसीलिए हरूफ मद्दा के बाद अर्जी कौन हो यानी वक्फ की वजह से कोई हरफ साकिन हो जाए तो मद आरिज होगा माशा हमारे सऊद भाई ने बिल्कुल डिटेल के साथ सही जवाब दिया है सुबह अल्लाह पाक आपको बरकत फरमाए अल्लाह पाक आपको अच्छा कार्य कुरान बनाए आप सबको अच्छा कार्य कुरान बनाए और मदनी चैनल के नाजी आप सबको भी अच्छा कार्य कुरान बनाए हम सबको हाफिज कुरान बनाए आलम दीन बनाए हमने कोशिश करनी है क्योंकि मन जद कोशिश करता है वो पा लेता है और प्यारे बच्चों और मदीचल के लाडिन आगे बढ़ते हैं हम व इनमा अना नजीरुम माशाल्लाह ये बताइए वाव की अदागी हांटो के किस हिस्से से होगी वाव लबाएक। की अदागी जी ये बताएंगे हमारे सफान भाई जी दोनों के गुलाई से दोनों की गुलाई से अच्छा इनमें ये कौन से से उरुफे शफाविया। उरुफे शफाविया से ताल्लुक है शफाविया शफाविया कितने हैं चार कौन कौन से बाफा बाह आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है माशा अल्लाह और हमजा की अदायगी होगी ये अलिफ नहीं हमजा है क्योंकि नीचे जेर है कोई भी अर्फ हो जेर हो जबर वाला हो पेश वाला हो या दो जबर दो जेर दो पेश वाला हो या फिर उसके ऊपर जज्ब आ जाए जिस अलीफ के ऊपर प्यारे बच्चे और मदी चहल के नाज़ी वो बन जाता है हमजा तो इसको पढ़ेंगे हमजा और यहाँ नून मुशद्द यहाँ पर भी नून मुश्दत ये कायदा तो आप समझ चुके हैं नून मुशद और मी मुश्दत में हमेशा ना होता, ना होता है, होता है का। माशा और यहाँ मद कौन सी है ये कौन बताएगा जी ये बताएंगे अच्छी तरह से जी हमारे हसन भाई हुसैन भाई जी टीम ए हुसैन भाई मुनफसिल सोच लें जवाब दुरुस्त माशाल्लाह अच्छा ये बताइए हुसैन भाई मुनफसिल क्यों हुआ मुत्तसिल क्यों नहीं कहा आपने क्योंकि हमसा दूसरे कलमे में इसके बाद उर्फ़े मद्दा के बाद के बाद हमजा दूसरे कलमे में आ जाए तो मद्दे मुनफसिल होता है प्यारे बच्चों और मंदिर के नाजी अगर उर्फ़े मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल होता है और उर्फ़े मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में आए तो मद्दे मुनफसिल होता है माशाल्लाह और ये एक ख़ास कलमा है अना अच्छा ये थोड़ा सा समझना भी है कि यहाँ अलिफ़ के ऊपर अलिफ ज़बर है इसको तो खैर हम अलिफ नहीं पढ़ेंगे ये हो जाता है हमजा और यहाँ नून अली ज़बर ना है अब ये बताइए कौन बताएगा कि इसका अलिफ पढ़ना है या नहीं पढ़ना जी पढ़ना हसनैन भाई बताएंगे जी हसनैन भाई को माइक दीजिएगा यहाँ पे नहीं पढ़ना तो यहाँ पे का कायदा लग रहा है जायद अलिफ का कायदा का है माशाला जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़ीन ये अना जब कभी आता है पूरे कुरान पाक में जहाँ पर भी आ जाए अना आए इसके अलावा अगर कलमा है तो वो अलग बात होती है मगर जब अना वाहिद मुतकल्लिम का सीगा होता है तो ये अना मैं के लिए यूज़ होता है अपने लिए यूज़ होता है और अरबी में अपने लिए यूज़ होता है और ये जब आता है तो इसका जो अलिफ होता है वसल की सूरत में जब मिला कर पढ़ रहे होते हैं तो इसका अलिफ नहीं पढ़ते और अगर इस पर वफ़ कर दें तो फिर ये अलिफ़ पढ़ा जाता है जी हाँ वफ़ कर देंगे तो अलिफ़ पढ़ेंगे व इन तो अलिफ मद्दा पढ़ेंगे और अगर मिला रहे होंगे वसल की सूरत में मिलाने की सूरत में ये अलिफ़ नहीं पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे उम्मीद है आपने अच्छे अंदाज से ये समझ लिया होगा कायदा जी हाँ प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाजीन आगे नून जबर ना है हरक़ को बगैर खेचे बगैर झटका दिए मारूफ अदा करते हैं लाल की अदायगी जी लाल का मखरज जी दाल का मौत सफान भाई बताएंगे जी सफान भाई बताइए किनारे से जबान का सिरा और ऊपर के दांतों के माशा ये बताइये प्यारे बच्चे यहाँ से कितने ग्रुफ अदा होते हैं और कौन कौन से तीन होते हैं और वो ये लाल, ला। अच्छा ये वो होते है नाग में थोड़ी सी आवाज लेके जायें वो नहीं थोड़ी सी नहीं नहीं जाएगी नहीं पक्का दोबारा पढ़ के बताएं बताए क्या पढ़ेंगे वो मोटा करेंगे अच्छा पहले आप सा पढ़ लें सा लाल वो तरतीब जो है इस तरह बन जाएगी आपकी सा लाल वो तो इसको पढ़ने है वो प्यारे बच्चों और मदी चल के ना बाज लोग पौ और वो को पढ़ते हैं पौ वो दो। नाक में आवाज नहीं लेके जाएंगे बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए तो हम पढ़ेंगे तो लॉ और मोटा भी रखना है माशा अल्ला, माशा अल्ला। और यहाँ जाल के दाएगी क्लियर करके आपने बताया इसका मखरज भी बताया बहुत अच्छे माशा और आगे बढ़ते हैं यहाँ या, या साकिंग से पहले जेर आ जाए कौन सा कहदा है? है जेर आई हुई है या का साकिन से पहले जेर है और कायदा कौन सा है जी हम पूछते हैं बड़े बच्चों से नहीं छोटे बच्चों से पूछते हैं जी दानियाल में बताइए या मद्दा सोच ले और या साकिन से पहले जबर आ जाए तो यालीन 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 क्यों हुआ और यालीन को कितना खींचते हैं यालीन और... को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ते हैं और और हुर्फ मद्दा को एक अली दोक के बराबर खींचकर पढ़ते हैं माशा अल्लाह माशा अल्लाह दोनों आपने जवाब दुरुस्त दे दिए हैं हर्फ मद्दा की भी सही तरीके से वजाहत की है और हर्फ लीन की भी या लीन की भी सही तरीके से वजाहत की है माशा अल्लाह और आगे है कायदा बड़ा ज़बरदस्त कायदा है ईजी भी है और मुश्किल भी है जी हाँ जिसने याद किया होगा उसके लिए ईजी है और जिसको याद नहीं होगा उसके लिए मुश्किल है ऐसा ही है ना मदनी चैनल के नाजिन जिसने याद किया होगा आप भी बता सकते हैं आप बताना चाह रहे हैं कि हम बताएंगे इस कायदे को तो आप बता दीजिए फ़ौर बता दीजिए ये कौन सा कायदा है चलें हम फ़िलहाल आप पर छोड़ देते हैं कि आप ज़रा कायदे को बताएँ यहाँ बच्चे बताने के लिए तैयार हैं मगर हम मदनी चैनल के नाजीन से पूछते हैं कि ये कौन सा कायदा है ये देखें ग़ौर से कि यहाँ तनवीन है उसके बाद आ गई है मीन जब कभी नू साकिन और तनवीन के कायदे आते हैं उनमें से एक कायदा है अगर थोड़ी तोज्जो होगी तो आप बता सकेंगे तो आगे बढ़ते हैं हम आपसे पूछते हैं यहाँ मौजूद बच्चों को भी बाद में बताते हैं आगे बढ़िए और यहाँ पर जो है आ, एक कायदा है कौन सा कायदा है जब वफ़ करेंगे तो ठीक तो प्यारे बच्चों जी जी ये बताइए कौन सा कायदा लगा यहाँ पर कौन बताएंगे हसैन भाई हुसैन भाई हसन भाई सब बताने को तैयार है जी हसन भाई बताइए मद्य हारिस सोच लें हुसैन भाई सही कह रहे हैं सही मान लें इनका या है सही मान लें या है सही सही जवाब है अच्छा मद्य हारिस क्यों हुआ है किस अच्छा किसके बाद ये हसन भाई बताइए किसके बाद के बाद और उर्फ मद्दा के बाद आरजी सुकून मौजूद है तो इसलिए होगा मदे आरिज माशाल्लाह माशाल्लाह आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है।, है और मदनी चैनल के नाज़रीन से भी हम पूछ रहे हैं मगर हम भी बता देते हैं यहाँ पर कायदा है तरवीन के बाद आ गया मीम जब कभी नून आ, आ गया तरमीन के बाद कायदा आ जाए मीम जी यहाँ मौजूद सारे बच्चों को याद हो गया है माशाल्लाह हम पूछते हैं सऊद भाई से जी सऊद भाई छोटे से बच्चे हैं प्यारे बच्चे आप बताइए यहाँ पे इदगाम माल गुन्ना होगा इदगाम माल गुन्ना होगा आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है मगर क्यों होगा प्यारे बच्चे ये भी बताइए नून साकिन या तन्वीन के बाद मीम आ जाए तो होता है मीम आ जाए तो यार मलून में से अगर, अगर नून आ जाए तो नून उसमें भी अच्छा वाव आ जाए तो नहीं होगा सोच रहे जी सफान भाई बताएंगे जी सफान भाई वाऊ में होगा रा और लाम में नहीं होगा रॉ और लाम में नहीं होगा या में भी होगा मीम में भी होगा नून में भी होगा और वाऊ में भी होगा प्यारे बच्चों या वाऊ मीम नून ये चार उर्फ़ आए तो नून सागन तनवीन के बाद याद कर लीजिए वहाँ इदगाम का कायदा होता है इदगाम मिलाना और ईदगाम तो होता है मगर इदगाम माल होता है घुनने के साथ और जब नून सागिन तनवीन के बाद लाम और रा लाम और रा है तो ईदगाम होगा मगर बग़ैर घुनने के तो माशा सऊद बाई कि अच्छी कोशिश की जवाब ये दुरुस्त दे दिया है आगे थोड़ा सा भूल गए कोई मसला नहीं कोशिश करेंगे मन जद तो, कोशिश करता है वो माशा माशाला प्यारे बच्चे और मंदिर चलेंगे नाजीन आयत को एक मरता फिर मिलकर पढ़ते हैं कुल इन दम शाला जी आधा आधा करके पढ़ लेते हैं ताकि आप आवाज को आपने क्या करना है बैलेंस करना है आगे पीछे नहीं चीज़ करना है। इस चीज का खास ख्याल रखें माशाला, माशाला, प्यारे बच्चों और चल के अच्छा की की तवज्जो तो अच्छा नहीं होगी तो फिर समझने में मुश्किल और मुश्किल आ जाती है माशा माशा सुबह तो प्यारे बच्चों हम बढ़ते हैं अगले मरने जिसका नाम है जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजी अभी हमने इस आयत को तवज्जो के साथ पढ़ना है यहाँ मौजूद बच्चे भी हमारे साथ रहेंगे तवज्जो इधर उधर नहीं होगी मेरी तरफ तवज्जो होगी तो आप अच्छे अंदाज़ से पढ़ लेंगे और मदनी चैनल के नाजीन आप की भी तवज्जो अगर इधर होगी मदनी चैनल की स्क्रीन की तरफ तो आप अच्छे अंदाज से पढ़ने में कामयाब हो जाएंगे तो मदनी चैनल के नाजिन आपने भी हमारे साथ रहना है और अच्छे अंदाज से पढ़ना है أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم से आपने पढ़ लिया और अब है मरहला अगला जिसमें आपने सुनाना है तवज्जो के साथ तवज्जो के साथ सुनाने के लिए तैयार हैं सब बच्चे जी तो हम सुनते हैं किससे हमारे हुसैन भाई सुनाएंगे जी हुसैन भाई जी अच्छा ये हुसैन भाई आऊजू नहीं करना अगर हम आऊ पढ़ेंगे तो दाल जा से बदल जाएगा हमने इस चीज का ख्याल रखना है بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما العلم عند الله عند الله وإنما أنا نظير مبين ما شاء الله कोशिश كوشش رهي अंदाज़ أنداز سنايا

माशाल्लाह माशाल्लाह हुसैन भाई आप भी हसीन भाई सुनाएंगे हसीन भाई को माइक दीजिएगा जी हसीन भाई बिस्मिल्लाहिर कुल इनना अलमु इन दल्लाहु इन दल्लाहु जी हाँ अब हमारे बड़े बच्चों में से यहाँ से कौन फिदा रहमान भाई अच्छा चले अभी हम बढ़ते हैं और हदर और तब्तील में फिर आप लोग मिलकर पढ़िएगा हमारे साथ जी من بسم الله الرحمن الرحيم that off.

for 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 kids, 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 बच्चों की। बच्चों हमने कल भी बताया था कि हमने इस सेगमेंट में कुछ राउंड शामिल किए हैं तो बढ़ते अपने पहले राउंड की जानी में बाजा. पहला राउंड है रैपिड फायर तो प्यारे बच्चों हम आ गए अपने राउंड वन की तरफ रैपिड फायर जी इसमें होगा यह कि मैं एक शेर पढ़ूंगा उसको टीम ए और टीम बी कंटिन्यू करेगी जी जर्रे झड़ कर तेरी पैजारों के ताज सर बनते हैं सैारों के जी टीम है हमसे चोरों पे जो फरमाए करम खिलाते जर बनते हैं पुश्तारों के अल्लाह खिलाते ज़र बने पुश्तारों के जी अल्लाह जी टीम भी मेरे इजत तेरे सदके जाऊं तोर बे तोर हैं बीमारों के जी टीम दोनों टीमों में से एक ही बंदा पड़ेगा एक ही नातखों पड़ेगा जी सुभान अल्लाह जी टीम ए मेरे आका का वो दर है जिसमें माथे घिस जाते हैं सरदारों के जिस पर मेरे आका का वो दर है जिस पर माथे घिस जाते हैं सरदारों के सुभान अल्लाह जी आप ये है राउंड वन रैपिड फायर इसमें आपको जल्दी जल्दी बताना है जी टीम बी सिद्ध को अदलो करमो हिम्मत में चार सु, चार सूच हो हैं इन चारों के सुबह अल्लाह जी टीम कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा बोल बाले मेरी सरकारों के सुबह अल्लाह जी जी टीम भी आखिरी शेर फाइव फोर थ्री टू वन जी आपका टाइम तेरे अब्रू के तसदुक प्यारे जी नहीं ये हो चुका है जी तो इस तरह हमारी इस राउंड में टीम ए आगे बढ़ गई है सुभान तो प्यारे बच्चों इसी के साथ हम बढ़ते अपने अगले राउंड की जानिब जिसका नाम है बजर जी मैं इसमें मैं दोनों टीमों को एक एक लफ्ज दूंगा उससे आपने शेर सुना है जिसने बजर बजर। जो पहले बजर दबाएगा वही शेर सुनाएगा ठीक है आप लोग रेडी है जी तो पहला लफ्ज है गेसो जीती में चमने तेवा में सुंबल जो सवारे गैसु चमने तेवा में सुंबल जो सवारे गैसु हूर बनकर शिकने नाज पेवारे गैसु हूर कर शिकने नाज पेवारे गैसु आपने बहुत अच्छा पढ़ा एक बार अगर आप फिर पढ़ दे तो मदीना मजीना हो जाए चमने तेवा में सुंबल जो सवारे गैसु चमने तयबा में सुम्बुल जो संवारे गेसु हूर बढ़कर शिकने नास पे वारे गेसु सुभान अल्लाह जी आपका जवाब दुरुस्त है सुभान अल्लाह जी तो टीम भी आप तैयार हैं जी टीम ए भी तैयार हैं आप जी मैं आपको लफ्ज दे रहा हूँ सुबह जी टीम है सुबह तैयबा में हूँ ही है बड़ा नूर का सत का लेने नूर का आया है तारा नूर का सुबह जी अब आपका अगला वडे आप दोनों टीम तैयार हैं जी आपका अगला वडे एड़िया टीमें उन कमंगता पांव से ठुकराता है दुनिया का ताज जिसकी खातिर मर गए मुनाम रगड़ कर एडिया सुबहान अल्लाह टीम भी आपकी बजर बजने रही आप इतना लेट क्यों हैं साथ में ही बजा रहे थोड़ा आगे पीछे हो जाते चले अभी दो राउंड बाकी है अब मैं अगला लफ्ज पूछता हूँ ठोकर टीमें एक ठोकर में ओहद का जल जला जाता रहा रखती हैं कितना वकार अल्लाह अकबर एड़िया सुबह जी और टीम बी और टीम ए आप दोनों रेडी हैं मेरा अगला लफ्ज है गली टीम बी फिर के गली गली तबा ठोकर सबकी खाए क्यों दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाएगी सुबह तो बढ़ते हैं अपने अगले लफ्ज की तरफ अगला लफ्ज है जुर्म टीम बी जुर्म है तो रजा निराशितम जुर्म पे गर ले जाए हम कोई बजाए सोजे गम साजे तरफ बजाए क्यों सुभान अल्लाह अब दोनों टीमें अगले वर्ड के लिए तैयार है जी मेरा अगला वर्ड है रूह जी टीम बी रूह दोबारा बताना शेर वर्ड बताना रूह थके थे रूहुल अमी के बाजू छूटाओ दामन कहाँ वो पहलू रिकाब छूटी उम्मीद टूटी निगाहें हसर के बलवले थे सुभान अल्लाह अब मेरा अगला लफ्ज है खुशबू टिंबी फाइव फोर भीनी खुशबू से महक जाती हैं कलियां वल्लाह कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसु कैसे फूलों में बसा करते ये शेर अगर आप दोबारा सुना दें भीनी खुशबू से महक जाती हैं कलियां वल्लाह कैसे फूलों में बसाए हैं कलियां है, गलिया गलियां वल्लाह कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसु सुभान अल्लाह जी आइए बढ़ते हैं अगले वक्त लफ्ज की तरफ अगला लफ्ज है खजर, खंजर, जी है। कल के रजा को खंजरे खूखार बरकबार, कल के रजा है खंजर खुखार बर्खबार तू जी आपका टाइम खत्म हुआ टिप भी आपको आता है ये शेर दिल के रजाए खंजर खूखार बर के बार आदा, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें सुभान अल्लाह जी अब मेरा अग, अगला वर्ड है यानी आखिरी वर्ड है तबस्सुम जी टीम भी जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम अल्लाह तो प्यारे बच्चों इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले राउंड के जाने अगला राउंड है शेर मुकम्मल कीजिए इसमें मैं आपको थोड़ा सा मिश्रा पढूंगा उसको आप उसको आपने एक शेर सुनाना है उस उसको उसको तर्ज में मुकम्मल करना है पूछते क्या हो आर्श पर जीटी में पूछते क्या हो अर्श पर यूं गए मुस्तफा के यूं। केफ के पर जहां बिछे केफ के पर जहां जले कोई बताए के क्या माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पढ़ा अगर इसको तर्ज तर्ज में में पढ़ दे तो क्या इसको क्या था पूछते क्या हो अर्श पर पूछते क्या हो बजा चेक कर लें जी अब दे दो सफ़र का भी हमें इन जी में, या मुस्तफ़ा आता हो आज तैबा कहे सफ़र आका दे दो तोशे में चश्मे तर का जी नहीं आपसे गलती हो गई है ये इसका सही शेर है सामाने मदीना तो शहाल ला के रखा है अब दे दो सफर का भी हमें खुदारा इज्न खुदारा खुदारा। बच्चों आप दो, आप दोनों टीमें तैयार है उनका मंगता पाँव से ठुकरा दे जी टीमें। उनका मंगता पाँव से ठुकराता है दुनी, वो दुनिया का ताज जिसकी खातिर मर गए मुनिया में रगड़ कर जी आपका जवाब दुरुस्त है दुरुसे। जी आप शेर दोबारा सुना दें उनका इसमें सुना उनका मंगता पाऊं से वो ठुकरा था गए दुनिया पता जिसकी इसके पहले मिसरे में है टुकरा दे वो दुनिया का ताज जी तो दोनों टीमें तैयार है फिर जी। बंदा कादिर का भी का, का, कादिर टीम भी बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर सिर बातिन भी है जाहिर भी है अब्दुल कादिर सुबह आपका जवाब दुरुस्त है जी अगला शेर काबो का काबा व आशर काबा व अर्श में कहराम टीमे काबा व अर्श में कुरहा काबा व अर्श में कहराम कहराम काबा व अर्श में कहराम मचा काबा व अर्श में कुरहाम मचा मचा नाकामी का आगा किस आ किस बजम में जलवाए यकताई दोस्त आप शेर दुरुस्त कर दें काबा वर्ष में कहराम काबा वर्ष में कहराम मचा काबा वर्ष में काब, काबा वर्ष में कहराम मचा नाकामी का आ किस आपका टाइम खत्म हो गया जी इसका सही शेर है अर्श में कहराम है नाकामी का आह किस बिज में है यकताई दोस्त यकताई दोस्त तो प्यारा बच्चों अगला शेर है ए शाफ जी टी में ए शाफाए उम शह जीजा हले ख़बर ए शाफाय उम शह जीजा हले ख़बर لله لي خبر مري لله غي خبر ابي <سؤال> वाले तो मंजिल पहुंचे पहुंचने वाले तो मंजिल जीटी में पहुंचे पहुंचने वाले तो मंजिल मगर शाह उनकी जो थक के बैठे हैं उनकी जो थक के बैठे सरे राह ले खबर सुबह तो प्यारे बच्चों अगला शेर है जहीर इज्जत व इलाई जी जीटी भी जहे इज़्ज़त अर तिलामद केहे अर शेहक जेर पाए मोहम्मद सुबह जी तो प्यारे बच्चों अखिला दोनों टीमों को जवाब नहीं आता इसका सही जवाब है रिश के बुलबुल बुल है रश के बुलबुल बुल है रजा लालाए, लाला सदा दाग, सद दाग भी है आपका वासिफ हो जाकिर भी है अब्दुल क़ादिर। जी आखिरी शेर जो बनो पर है बहार चमन जी टीम है जो बनो पर है बहारे चमन आ दोस्त खुल्द का नाम न ना ले गई बुल तो है तो इसी के साथ हम बढ़ते अपने अगले राउंड की जानिब जिसका नाम है तस्वीर देखिए शेर तो प्यारे बच्चों हम आ गए अपने राउंड फोर की तरफ तस्वीर देखिए शेर सुनाइए इसमें तो टीम ए और टीम बी आप तैयार है जी जी अब पहली तस्वीर दिखाइए टीम ए के लिए चांद चांद पे कोई शेर सुनाए चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते

में के लिए तस्वीर दिखाएं। ताज ताज, ताज माज़ेकस में पढ़ाई

जिसमें परचम आता हो तर्ज में नहीं आता था, था थो थोड़ा पहले ऐसे ऐसे सुना नबी का परचम लेकर निकलो दुनिया पर छा जाओ नबी का झंडा अमन का झंडा हर घर में लहराओ। रहा सुभान अल्लाह जीटी में आपके लिए टीमें आप के लिए, टीमे लिए पिक्चर दिखाएं बारिश बरसती गुम बने खजरा से हंस रहा से हंस

के लिए पिक्चर दिखा घर ये कहती थी घर घर में जाकर खाली हमारा ये राउंड इख्तिताम तो तक तो पहुंचा इस राउंड में हमारी टीम ए आगे निकल गई है सुभान अल्लाह जी टीम बी आप क्यों पीछे रह गई हैं चले हम बढ़ते हैं अपने अगले राउंड की जानिब जिसका नाम है मिसरे दुरुस्त कीजिए फिर शेर सुनाइए जी टीम ए और टीम बी तैयार हैं आप जी जी टीम ए के लिए तैबा आज का सफर है आज तैबा कहे सफर आका दे दो तोशे में चश्मे तराका सुभान अल्लाह जी टीम ए आपका जवाब दुरुस्त है जी टीम बी इज्जत साहिबे ओ जलाल आका साहिबे इज्जत ओ जलाल आका फाइव फोर थ्री two, one. one. जी आपका टाइम ख़त्म हुआ जी टीम ए के लिए आका 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 संभाल मुझे रनजो गम ने किया न ढाला का आका रनजो गम ने किया न का आका आका संभाला का मुझे संभाला का जी आपका जवाब दुरुस्त है सुबह जी बी, बख्शे बुलंदियाँ तुमने ही सर बख्शी बुलंदियाँ तुमने ही सर फाइव ओ थ्री ट वन जी आपका टाइम ख़त्म हुआ जी अब टीम ए के लिए। जी, जी अब टीम बी की तरफ चलते हैं जी अब टीम ए की तरफ चलते हैं हसैनों हसीनों से सब बढ़ यकीन कर सब हसीनों से बिल यकीन बढ़कर हुसन तीरा तेरा जमाला का हुसन सु... तेरा सुन तेरा तेरा जमाला का सुभान अल्लाह आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है सुभान अल्लाह जी अब टीम बी की बारी कोई करेगा बेका आका बाल कोई करेगा बेका आका बाल <laughs> जी फाइव फोर थ्री टू वन वन जी आपका टाइम ख़त्म हुआ अब बढ़ते हैं टीम ए की तरफ अता हो हाजिरी का या मुस्तफा, अब इज्न या मुस्तफ़ा आता हो अब इज्न हाजिरी का या मुस्तफ़ा आता हो अब इजन हाजिरी का कर लूँ नजारा आकर मैं आपकी गली का, हो 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 का उल्फतरी तेरी, तेरी।, तेरी उल्फत का मैं भिखारी हूँ मेरा स्कूल जाए भर आकर सुबहार जवाब दुरुस्त है सुभान तो अल्लाह सुभान अल्लाह तो इसी के साथ हमारे इस राउंड में टीम ए जीत चुकी है सुभान तो अल्लाह जी हमारे पास हमारे टीम ए हमारी टीम ए में हसन भाई मौजूद हैं आइए उनसे कलाम सुनते हैं वो जो जान जान दे चिट्ठियों गली उठाते हमदम में क्या ही चलता आ, था इशारों पर के तूरों को छोड़ दे उन्हें इख्तियात इख्तियाआर दुनिया दुनिया अल्लाह तो प्यारे बच्चों इसी के साथ हमारे इस सेगमेंट और हमारे इस प्रोग्राम का वक्त अंत तक पहुंचा हम आपकी कॉल्स किसी वजह से शामिल ना कर पाए इन कल आपकी कॉल जरूर शामिल करें करने की कोशिश की जाएगी पैरों बच्चों तो इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त इख्ताम तक तो पहुंचा मिल हमें इजाज़त दीजिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा हमें दुआ मैदा दिखेगा सल्लू हबीबल् Slam for kids, for kids. Oh, oh but you for kids, for kids. Oh, Slam for kids, Islam for kids. Islam for kids, Islam for kids. For kids! For kids! but you